क्या शादी तय हो गया। चलो 3 पीस करके देते ना फंगस। बेटा अभी और सस्ता होगा 20। तो इतना सारा जूस। तो हमारा आज का वीडियो यहाँ से शुरू होता है। अभी दोपहर का 12:30 बज रहा है और जैसा कि मैंने कल बोला था कि ऐसा लग रहा है कि भाई गर्मी बढ़ता चला जाएगा और वही हो रहा है। आज बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे, लगभग 35 डिग्री है। और उस दिन मोबाइल फेंकने के बाद ना मेरे ऊपर मोबाइल फेंका था इन लोगों ने, और देखो ये यहीं पे फेंक दिया उसका डब्बा। तो अभी घर पे 2 लोग नहीं है और जो एक है वो घर के अंदर घुसा हुआ है, क्योंकि इस खतरनाक गर्मी में कौन बाहर निकलेगा यार। सब लोग में इतनी हिम्मत नहीं है। मैंने खुद ही बहुत गलत काम किया है यहाँ बाहर आके। ऐसे ना लू लग सकता है, जो ये गर्म हवा चलता है ना भाई, ये गर्म हवा इंसान को इतना भयानक बीमार कर देता है ना कि फिर हॉस्पिटल जाना पड़ता है, और हॉस्पिटल से तो मेरा नाता, मेरा रिश्ता बहुत ख़राब है। पूरा एरिया घूम के देखो, कहीं भी एक बूंद पानी का ड्रॉप नहीं मिलेगा, कहीं का भी ज़मीन ऐसे ना गीला नहीं है। चारों तरफ देखो ऐसे सूखा सूखा है, पूरा का पूरा एरिया ऐसे सूखा हुआ है। और यही रीज़न है कि अभी तक यहाँ पर सफाई में काम नहीं लगा है, क्योंकि जितने भी यहाँ पे लोग हैं ना जो सफाई करने वाले हैं, वो लोग ना इतनी गर्मी में काम करने से मना कर रहे हैं। और वैसे घर का काम अभी भी चल रहा है, और ना घर का काम भी रुक जाता क्योंकि इतनी गर्मी में ना लोग काम करने से थोड़ा कतरा रहे हैं, लेकिन काम नहीं रुका क्योंकि इसमें काम पहले से ही लग चुका था। अगर अभी काम लगाने की बात होती तो शायद ये लोग काम अभी लगाते नहीं, लेकिन अब काम को बीच में रोक नहीं सकते हैं इसलिए काम कर रहे हैं। और यहाँ का गर्मी देख के ना मुझे जेन्युइनली बहुत डर लग रहा है कि भाई गोवा में क्या होने वाला है। और मैंने नोटिस किया कि किसी ने कमेंट किया था कि भाई आप कहीं जाने से पहले कहीं के बारे में पता नहीं करते हो, और फिर वीडियो में आके पूछते हो कि वहाँ का मौसम कैसा है, और जब फिर वहाँ का मौसम अच्छा नहीं लगता है तो उस जगह की बुराई करते हो। तो ऐसा मैंने किया नहीं है, मतलब मैंने किया था जब हम लोग असम गए थे शिलोंग में उधर, तो मेरा कहने का वो मकसद नहीं था कि ये जगह ख़राब है। मैंने ये भी वीडियो में बोला था, अब लॉन्ग वाला वीडियो देखोगे ना तो वहाँ पे जाके आप देखना कि मैंने बोला था कि हम लोग गलत मौसम में आ गए। शॉर्ट वाले वीडियो में शायद वो एक्सप्लेनेशन नहीं मिला था, लेकिन लॉन्ग वाले वीडियो में मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है। और किसी भी जगह को बुरा भला मैं नहीं बोलता हूँ। तो गर्मी हो चाहे कुछ भी हो, मज़ा बहुत आने वाला है, इस बात की मेरी गारंटी है। तो यहाँ पर देखो अभी कितना प्रोग्रेस है, आज काम थोड़ा सा ऐसा स्पीड चल रहा है। अभी चलो मैं ना ऊपर से चल के ना पूरा आपको व्यू देता हूँ। बाप रे बाप, जानलेवा गर्मी है यहाँ पे यार। यहाँ से देखो आपको अब समझ में आएगा कि कितना काम हो चुका है यहाँ पे। ये जो देख रहे हो ना, जो फ्रेम लगा के सीमेंट वो ढाला है, वो ना बारिश वारिश से ना बचाने के लिए है। यहाँ पे देखो और भी ईंट जा रहा है। ये लड़की को कब से बुलाया मैंने और अभी नज़र आ रही है। बाप रे, अब चलो भाई चलते हैं नीचे, नहीं तो भाई मर जाएंगे इतने गर्मी में। तो हमारे कैंपस के इस एरिया में ना गर्मी कम है बाकी के एरियाज़ के कंपैरिजन में, इसलिए ये आपको यहाँ पे आई है। और अबे हर बार कुछ ऐसा ही तुम बोलती हो यार, हर बार झूला थोड़ी लगा सकते हैं कहीं पे भी। इस झूले का ना फील ही दूसरा होता है, आर्टिफिशियल जो झूला होता है जो घर में लगाते हैं उसमें मज़ा नहीं आता, पता नहीं क्यों। तो किस पे झूला लगाने की बात कर रही हो तुम? पेड़ के जड़ की मदद से, इसकी मदद से क्या? ये जो टहनी इसकी इधर निकली है, इस मोटे वाले पेड़ की जो टहनी इधर आई है। नहीं हो सकता है भाई, ये बांस की बात तो नहीं कर रही हो? इस बांस को अगर पकड़ के लटकोगे ना भाई तो एकदम नीचे तक आओगे और वापस से फिर ऊपर पहुंच जाओगे। ना ना, ये झुक जाएगा। हाँ ये झुक जाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा ही वो टेढ़ा है। हवा देख रहे हो क्या खतरनाक चल रहा है। तो काफ़ी देर से इस लड़की ने नोटिस किया कि अपने घर के स्टाफ लोग ईंट को बार बार मतलब ढो रहे हैं, उठा के यहाँ से वहाँ रख रहे हैं। तो इस लड़की ने अब ऐसा निश्चय किया है कि अब उनके काम में ये हाथ बटाएगी। अब देखने वाली बात ये है कि ये लड़की कितने देर तक टिक पाती है। वैसे मुझे क्या लगता है कि ये 2 ईंट से ज़्यादा उठा के वहाँ तक ले नहीं जा सकती है, और ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 बार जाएगी बस, उससे ज़्यादा इसमें ताकत नहीं है। क्योंकि तुम कल हार के दिखा चुकी हो कि तुम कितनी ताकतवर हो। उसमें बात अलग है, कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। हाँ तो देखते हैं ना इस बार कितनी बार उठा के रखती हो। एक ईंट तुमसे उठ नहीं रहा, 3 उठाओगी? चलो लेट्स सी। ओए होए ओए होए, लगाओ तुम। चार 5 लोग को बुला दे क्या? चल। पहुंच पाओगी वहां तक? चलो भाई। तो चल के मेरे रास्ता रोका है। मैंने नहीं रोका है भाई, मैं साइड में हूँ। रखने का ईंट का तरीका अलग होता है, अगर तुम गलत तरीके से रखोगे तो ईंट टूट जाएगा, तो ये ध्यान में रखना। ऐसे नहीं रखते हैं। हाँ चलो।
ये तो था पहली बारी, अब तो 4-5 बार रखोगे ना कम से कम। तुम कैमरा लेके काम घूम रहे हो भाई, तुमने बोला है ना रखने के लिए, मैंने तो बोला नहीं है। तुम ही रखो, तुम तो अभी अभी उठ ही रही हो, मैं तो कब से उठ के घूम रहा हूँ। पाँच पाँच भाई, फौलादी शरीर है, तुम्हारे जैसा थोड़ी है। पचहत्तर परसेंट अरे भाई भाई, तो वो कम से कम 30-40 बार जा चुका है ना। तुम अगर 30-40 बार गई इतना लेके, तब 75% में काउंट होगी, अभी तो तुम 1% हो। ये लड़की दोबारा ईंट ले जाने का हिम्मत कर रही है, इसके हिम्मत का मैं दाग देता हूँ। पहली बारी में इसका स्पीड क्या था और दूसरी बारी में इसका स्पीड क्या है? आराम से जा रही हूँ क्योंकि पेट का सहारा ले लिया ना, उस वक्त ईंट मेरे हाथ पे वजन पे था। तो अभी ये लड़की रुक नहीं रही है, ये दो बार लेके जा चुकी है ईंट, अभी तीसरी बार भी लेके जा रही है। तो अभी सड़क से जा रहा था तरबूज वाला, तो हमने रोका है, अब देखेंगे उनके पास तरबूज कैसा है। मीठा कौन होगा? ये मीठा होगा, ये होगा, ये नहीं होगा मीठा। मेरी छाप से ये हैवी है, देखिए देखिए मीठा यही काटोगी। अच्छा, हम सब में बटने वाला है, वो वाला अंदर से काट लेंगे तो भैया कह देंगे मेरा वाला नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि घर पे हो ना यार, मार्केट में तो हो नहीं जो ये सब बातों का। धो भाई, यहीं पे धो ना। काट रहे हैं, रुकना भाई, ये इस तरीके से नहीं काटना होता है। अरे हम इसलिए काट रहे हैं कि पता चले कि इसमें थिकनेस कितना है। चलो चलो, अरे ऐसे नहीं फरना चाहिए, ये तो थोड़ा वो उस लेवल का नहीं है। बहुत मीठा नहीं होगा पक्का, ठीक ठाक। जो भी है इंजेक्शन वाला तो नहीं है भाई। हाँ, इंजेक्शन वाला नहीं है ना भैया। ये लो गैया, गुस्साएगी नहीं? गुस्सा नहीं करेगी, प्यारी गैया है। तुम्हारी बारी। No! तो नहीं खाएगी, गुस्सा है वो। नहीं, उसको ठंडा चाहिए, ठंडा तरबूज ला के दो। नीचे नहीं रखना चाहिए था यार, नीचे क्यों रख दिया? ये खाएगी। अबे यार गिर गया, दूसरा दो, वो मिट्टी वाला मत दो। ये लो दूसरा लो। ले सुनीता, दूसरा ले, चक्कू लो। नहीं खाएगी, वो भी नहीं खाएगी ना। खाएगी। मेरे से नहीं फट रहा है तो शिवम अपनी मजबूत हाथों का ताकत दिखा रहा है। तरबूज नहीं खराब होगा आपका, तरबूज कटेगा सब में बटेगा, मुहावरा चेंज। आओ लो। उधर कितना आदमी? इधर दो, दो आदमी। तीन आदमी, तीन पीस करके देते ना शिवम। अच्छा हो जाएगा, दो हम देख आ रहे हैं। कितना आदमी है? दो को तुम अपने हाथ से दे आओ, साधु बाबा को तुम दे आओ। शिवम जाओ, रुक जा, साधु बाबा को शिवम से दिलवा रहे हैं। लेकिन काम नहीं ना रुकेगा? हाँ, वो काम कर रहे हैं, वो अभी नहीं खाएंगे। दे दो, दे देखो बाबा जी कितने ऊपर हैं। ये गर्मी में ना तरबूज भी गर्म है, ठंडा होना चाहिए था यार। दे आओ नहीं ठीक है, दे आओ तरबूज खाई साधु जी ली। बम भी दे दो, ला हो बम। एक हमारे यहाँ वो है ना, उनका नाम है बम। ना दे दो सबके अपन अपन हिसाब है। एक और ला दो साधु जी के लिए। शिवम शिवम इंजेक्शन वाला नहीं है तो और ले लेते हैं, है ना? ए पर डे के हिसाब से चार बना के पिएंगे। ले लो, और ये वाला है 3 किलो और दीजिए भैया, और दीजिए। क्या शिवम पैसा कम पड़ गया? छोटे ही मोटे साइज का लो, अपने हिसाब से दीजिए ना, हम लोग को मिलेगा। बड़ा वाला गलती हो गया ना हमसे, सबसे बड़ा तो फिर ये है। अरे वो साधु जी का था, बेवकूफ। मैं बोल रही हूँ ना कि साधु जी को नहीं दिया गया है। दूसरा काटोगे? अब ठंडा वाला दोगे उनको? फ्रिज में रख के सबको एक एक बार और देंगे फ्रिज में रख के। अच्छा, मीठा यार ये वाला पार्ट, बीच का पार्ट मीठा होता है। शिवम देखो, यूट्यूब पांडा के लिए एक एक चाहिए, दोनों का अपना हिस्सा। और
1000 का लेना पड़ेगा भाई। कितना पैसा हुआ? तो अभी हम लोग तब तक तरबूज लेते रहेंगे जब तक 500 नहीं हो जाता। वैसे 500 में जितना भी नहीं आएगा, दो ही या तीन या चार आएगा। और थोड़ा सा टेम्परेचर हाई जाने दो, उसके बाद 500 में एक आएगा। नहीं भैया, तरबूज इससे ज्यादा और महंगा भी हो सकता है क्या? 70-80 रुपए किलो तक जाता है। नहीं नहीं, और सस्ता होगा, उल्टा अभी और सस्ता होगा, 20-20 रुपए जाता है यहाँ पे तरबूज। तो 20 का 200 रुपए मिलेगा, 500 रुपए मिलेगा लास्ट में। कभी कभी फ्री में मिलने लगता है। हाँ हाँ, देखिए 50 रुपए के एक बोरा लाएंगे हम आपके। सस्ता होने दीजिए। सुई वाला मत लाना, नहीं तो तुम्हारा। नहीं नहीं, सोन वाला लाएंगे हम। ईंट लेके गए थे ना। नहीं, ईंट जितना भारी नहीं, उससे कम ही है। ऐसे हट कर पकड़ तो लूंगा, लेकिन अगर गिरा तो गया। मत छोड़ो। अब तो लेके जा। गिरा तो गया, तुम गया। फिर फूट जाएगा यार ये गिरने के बाद। वैसे किसी ने बोला कि ये कोल्ड स्टोरेज का माल है, वो भैया ने नहीं, हमारे जो वो है ना PSO, वो बोल रहे हैं, लेकिन हमें नहीं लगता है, जो भी वो इंजेक्टेड नहीं है बस। तो टोटल 15 किलो तरबूज 600 रुपए का मिला। तो अभी मैं ना जा रहा हूँ तरबूज का जूस बनाने के लिए। यार ये तो पूरा पीला है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? कुछ तो खराबी है इसके अंदर, है ना? ये सही है, कोल्ड स्टोरेज का माल तो नहीं है। तो बस यही एक प्रॉब्लम है कि किसी भी चीज़ पे भरोसा नहीं कर पाते हैं भाई। एक तरबूज काट लिया और अभी जा रहे हैं दूसरा काट के देखने के लिए कि इसके अंदर आखिर क्या निकलता है। तो ये दूसरा वाला हमने काटा, दूसरा वाला ठीक निकला और पहला वाला देखो। वैसे मैं मामा के घर पे गई थी तो मामा इतना छोटा छोटा तरबूज लाए थे और बहुत मीठा था और उसका कलर ऐसा ही था। तो मुझे पता नहीं है ना कि कैसा है, बस मुझे लगा नहीं खराब है ना कि कलर आया नहीं है अभी इसमें। तो इतना सारा जूस हमने निकाल लिया है, अभी चलते हैं इसको फ्रिज में रखने के लिए। और फ्रिज में रखने के बाद ये जब तक ठंडा होगा तब तक हम नहा लेंगे और नहाने के बाद आपसे मिलेंगे और फिर जूस पियेंगे। तो अभी नहा के आ चुके हैं और अभी यार गर्मी और ज़्यादा बढ़ गया है, मैंने जूस पी लिया। जूस बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। तो वैसे टेस्ट से तो फ़र्क पता चल नहीं रहा है कि तरबूज का क्वालिटी क्या था या तरबूज में पेस्टिसाइड यूज़ हुआ था या नहीं, वो कुछ भी पता नहीं चल रहा है। और अभी जो दो लोग बाहर गए थे अभी तक आए नहीं है, तो अभी उनके आने का इंतज़ार करते हैं। तो फाइनली अभी सब लोग आ चुके हैं घर पर, हम चारों, एक बंदा अभी भी अंदर है नहा रहा है। और अभी फ़िलहाल यहाँ पे देख सकते हो कि दो लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और ये मैगी खा रही है। वाह भाई मैगी। अरे बेचारी आ रही है थक हार के, अभी खाने दो इसको जो भी खाना है। ऑन रखना। किसका मैगी है ये? ऐसी क्या? अच्छा। मांगे तो उनको दिन दे दिया, कैमरा ऑन हुआ तो देखो। मुझे क्या लगता है कि गिन्नी कभी भी मैगी कप में नहीं खाती है। इधर आओ ना, तुम आओ ना इधर, इधर आओ। वही पब्लिक आप समझ सकते हो ना, आप समझ सकते हो कि कभी भी ये लड़की दो थोड़ा, कभी भी ये लड़की कप में नहीं खाती है मैगी। बाकी तो आप समझदार हो। क्या है मैगी? पूजा का मैगी तो मेरा है ना, मेरे लिए बना के लाई है। मुझे ऐसे ही तुम लोग मेरा इमेज डाउन कर चुके हो। मैगी खाने से इमेज डाउन हो जाएगा क्या? ऐसे ऐसे बोल के ना जाने कितने व्लॉग में ये लड़का मेरे नाम पे क्या क्या अफवाहें फैला चुका है। अच्छा नहीं है, गाय को डाल देती हूँ। ठीक है चलो गाय को डाल दो। बहुत बढ़िया, अरे बाप उसको पता है कि नहीं करेगी। तो कसम खा के बोलो कि किसका है ये, कसम खा के बोलो किसका है। पूजा का है। हाँ वही तो, मुझे पता है। कैमरा बंद करूँ? ठीक। देखा ये इजी का है, ये कैमरा ऑफ होगा तभी लेगी। जैसे ही कैमरा ऑफ होगा ले लेगी। देखा ले लिया ना इसने, इसी का मैगी है। अरे आप सबको पता है ना कि कभी भी ये कॉफ़ी मग में नूडल खाने वाला यही लड़की है। तो यहाँ पे कद्दू देख रहे हो ना, ये कद्दू के बारे में हमने कल भी जिक्र किया था और इस लड़की ने कहा था कि कद्दू नहीं होगा, इसने कहा था। अभी वेट करो, वेट करो। और ये कह रही है कि कद्दू हो जाएगा। अरे ये तुम्हारे हाथ में कैसे आया? नहीं खाना होगा। वही मैंने बोला, मैंने ही बोला कि ये छोटा ही रह जाएगा लेकिन खाने जितना तो हो जाएगा। जैसे छोटा रहेगा साइज में वो तभी खा जाना है, क्योंकि बड़े साइज का है ना। हाँ। वो ग्रो नहीं कर पाएगा क्योंकि सीजन नहीं है। नहीं, उसका हेल्थ खराब हो जाएगा, वो पीला पर के सड़ सकता है। हाँ। वो पहले ही खा जाना। काफी दिनों के बाद हम लोग इस छोटे से अपने इसमें आ रहे हैं, सब्जी के खेत में। और यहाँ पे अभी पानी डाला गया है क्या? ये गीला गीला कैसे है चारों तरफ? अच्छा ये लड़का नहाया है ना इसलिए।
पूरा पानी दिया है चारों तरफ। जामुन, हाँ जामुन भी फल रहा है मैंने देखा। यहाँ पे देखो कौन आया है, अरे वाह, अंदर खोज रहे हैं। हाँ ये अपने दोस्त को खोज रहे हैं, मतलब हमारे पापा को, इसीलिए इधर नहीं आ रहे हैं। इधर बुला रही हूँ कि इधर आइए यार, मेरे बाल का तुम लोग कुछ करवा दो ना यार, हम बोल के फंस गए हैं। अब तुम्हारा बाल काटा जाएगा कुछ दिनों में। शादी करने वाला है तुमसे, मुझे मंगल का बाल कटवाना है क्योंकि मंगल ने कहा है कि जब मेरी शादी होगी तभी बाल कटेगा। हाँ तो एक काम करो, तुम शादी कर लो, जब ये बाल कटवा लेगा तो डिवोर्स कर लेना। बस भाई कोई तैयार है तो बोलो। कटवाऊंगा नहीं, लेकिन मैं कटवाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, कुछ करो, मतलब इस लड़की का कुछ करो ताकि मैं बाल कटवा सकूं। हाँ तो डिवोर्स हो ही जाएगा भाई, तो बोल रहा हूँ मैं। बस बात खत्म, पापा के दोस्त हैं। लेकिन हाँ देखो, ऐसी बहन होगी भाई का बाल कटवाने के लिए शादी कर रही है, और फिर बाद में तो डिवोर्स की भी तो बात कर रही है। कहना की सर शादी फिक्स हो गया, थोड़ा सा उनका रिएक्शन ले लेंगे, मजा का मजा भी आ जाएगा। हाँ चल 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 ना, रुको मैं जाके छूंगा, मैं छूता हूँ ठीक है। हाँ मैं चलो मैं बोलूंगा मेरा शादी तय हो गया। चलो ओ शिट, हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो और पापा साथ में बैठे हुए हैं। ये देखो वो गई कप रखने के लिए, अगर उसका खाया हुआ नहीं होता तो वो कंफर्म नहीं रखती। इससे ये साबित होता है कि उसी का मैगी था। ये सबसे प्यारी है अपने घर में, पांडा से भी ज्यादा खूबसूरत है ये। सबसे सुंदर है, सबसे सुंदर हो तुम सबसे सुंदर हो। पीछे आप पैर ले, आप मुंडी ले, इधर देख, इधर वीडियो बना, इधर बना, ऊपर कैमरा ऊपर ला, इधर ला। छी मक्खी है इतना सारा। ये तो सूखा फूल है, ये क्या है? सनफ्लावर ले, कच्चा था, इसको बीज इकट्ठा करो, इसको लगा देंगे। दिखा मुझे। अच्छा इसको हम लोग बो देंगे जमीन में तो ये सनफ्लावर तैयार हो जाएगा। देखो टोटल दो, लेकिन ये कच्चा बीज है ना, इसको पका के बोते हैं पहले, ऐसे नहीं बोते हैं। चलो बताओ डॉक्टर साहब को, बताओ भाई। पूजा फोन बात कर रहे हैं, रुक जाओ, फोन बात कर रहे हैं, डिस्टर्ब नहीं करेंगे, रुक जाओ। अरे भाई तुझे दिक्कत नहीं, रख देंगे वो, फोन पे बात कर रहे तो क्या हो गया? पूजा जाओ ना यार, कोई बात नहीं है, पैसे कम के शादी तय होगी ना, बोल दो। हाँ बनाओ, क्या हुआ बोलो, खुशखबरी है क्या? शादी तय हो गया। किसका? इसी का। कहाँ पे मैं बता, बाकी डिटेल तुम दो। कि तुमको नहीं बताया, डॉक्टर साहब सब समझते हैं। मजा आ गया, वाह, आइडिया मेरा था, तुम्हारा था ना, लेकिन किया तो मैंने। देखिए डॉक्टर साहब कह रही है कि आपका भी उम्र ले लेंगे, पकड़ो। नहीं नहीं, ये सब ने बोला, मेरे बड़े हैं, पिता सामान्य है, मेरा उम्र में से हाफ उनको लग जाए। तुम तो कभी दोस्त बोलती हो, कभी पिता बोलती हो, तो पिता दोस्त नहीं होता क्या? पिता सामान्य। पापा बुला रहे, पापा बुला रहे। तो इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो होता है यहीं पे समाप्त। उम्मीद करते हैं कि आपको मज़ा आया होगा। वैसे आज बहुत ज़्यादा गर्मी है भाई, नहीं तो आज के लिए भी बहुत सारा प्लान था। हर रोज़ का मेरा बनाया हुआ प्लान बिगड़ता है, तो बस मौसम के कारण और कभी कभी किसी और चीज़ के कारण। तो आज तो कुछ हुआ नहीं, कल मैं ज़रूर करूँगा, मेरे पे भरोसा रखना आप लोग, ठीक है? आपसे मिलते हैं कल दोबारा एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।